चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आपका पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि इलास्टिसिटी का चैप्टर। तो तीन प्रकार के स्ट्रेस और तीन प्रकार के स्ट्रेन हमने पढ़ लिए थे। पहला था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो फोर्स लगता है वो अलॉन्ग द लेंथ लगता है, लेंथ के पैरेलल लगता है, इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। तो फोर्स तो हम ये वाला लेते हैं, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, और स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, जहां तक शियर स्ट्रेस का सवाल है, तो शियर स्ट्रेस के एप्लीकेशन से शेप चेंज हो जाता है, इसमें वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो जाती होती, पर शेप चेंज हो जाता है। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें फोर्स भी यही लेना है और एरिया भी टेंजेंशियल लेना है। अगर यहाँ वाला एरिया ले लेंगे, अगर ये वाला एरिया ले लेंगे, तो शायद वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। हमको ये एरिया लेना है टेंजेंशियल एरिया। और बल्क स्ट्रेस में तो अच्छा स्ट्रेन इसका थीटा ही होता है, ये डेल्टा एक्स बाय एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बल्क स्ट्रेस या जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है या जो वॉल्यूम स्ट्रेस है, इसमें डेल्टा पी प्रेशर में जो चेंज है वो स्ट्रेस। ये प्रेशर लग रहा है, अगर फोर्स यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन से लग रहा है तो हम उसे प्रेशर के नाम से नापते हैं। और ये डेल्टा पी जो बल्क स्ट्रेस है वो चेंज इन प्रेशर है, बस ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बल्क स्ट्रेन जो है वो डेल्टा वी बाय वी है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो तीन प्रकार के स्ट्रेस हमने पढ़े हैं और तीन प्रकार के स्ट्रेन पढ़े हैं। अब आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल 9.4 जो कि है हुक्स लॉ। कहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन द सिचुएशंस डिपिक्टेड इन फिगर 9.2। वही जो पिछली क्लास में हमने डायग्राम बनाया था, मतलब कह रहा है बेसिकली सेम सॉलिड है और उसी सॉलिड का आप लंबा वायर बना लें तो आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करेंगे, उसी का सिलेंडर बना लें तो आप शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात करेंगे, और उसी का स्फीयर बना लें और पानी के अंदर ले जाएं तो आप वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन द सिचुएशंस डिपिक्टेड इन फिगर 9.2। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। के स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द स्ट्रेस इज इक्वल टू के टू स्ट्रेन, जहां के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम हेडिंग दे देते हैं हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ में ये लिखते हैं कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन कायदे से तो ये लिखना चाहिए कि स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड, स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन पैदा होगा, स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन पैदा होता है। तो कायदे से मुझे ये देना चाहिए कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, पर खैर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो हम चलिए ये भी शायद बोल ही सकते हैं ए बी के प्रोपोर्शनल है, मतलब बी ए के प्रोपोर्शनल है। कायदे से तो आप स्ट्रेन स्ट्रेस के लगाने से स्ट्रेन पैदा हो रहा है, इसलिए वास्तव में तो बोलना चाहिए स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड। पर ठीक है, हम स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कह लेते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना, ये वी पुट अ कांस्टेंट, हम एक कांस्टेंट कर देते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन, और इसलिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है हुक्स लॉ, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब किन कंडीशंस में ये कांस्टेंट है जरा देखते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी का मेजर। मतलब शायद हम ये कहना चाहते हैं कि जिस सब्सटेंस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है वो मोर इलास्टिक होता है। ऑफ कोर्स लिख दीजिए के इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, K is a modulus of elasticity. It means it gives an indication about the magnitude of elasticity. It gives an indication about the magnitude of elasticity. A substance which has more modulus of elasticity
a substance which has more modulus of elasticity is more elastic. जिस substance का modulus of elasticity ज़्यादा है, वो more elastic है. A substance which has more modulus of elasticity is more elastic. इस constant के बारे में देखते हैं, इसने और कुछ कहा है क्या? कि where k is a proportionality constant and is called modulus of elasticity. K के बारे में इसने कुछ कहा तो नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि k जो है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट रहता है. जैसे अगर मैं स्टील की बात करूं तो उसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो कांस्टेंट रहता है. मतलब वो इस बात पे तो डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स का नेचर क्या है. जैसे हम चलिए लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, जैसे मैं बाद में ही बात करूंगा, अभी तो आप ऐसा लिख दीजिए के इज अ कॉन्स्टेंट, के इज अ कॉन्स्टेंट फॉर a given material. It is a constant for a given material, bracket में for a given type of stress. It is a constant for a given material. ये बात अभी हमें बहुत ज़्यादा समझ में ना आए मैं क्या कह रहा हूँ, पर चलने दीजिए. Proportionality constant बात थोड़ी सी अधूरी है, बात और पूरी की जाएगी वक्त आने पे. एक particular type of stress के लिए, एक particular material के लिए ये constant रहता है. Proportionality constant ही फिलहाल शायद पर्याप्त है. या Hooke's law is an empirical law and is found to be valid for most materials. ज़्यादातर material इसे obey करते हैं. However, there are some materials which do not exhibit this linear relationship. ये direct proportionality relationship को हम लोग linear relationship कहते हैं ना, क्योंकि इनका graph straight line बनता है. Y is equal to mx type का graph बनता है. ये y is equal to mx, y is proportional to x. तो जो graph straight line होते हैं, उन्हें linear कहते हैं. तो इसको आप line, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप इज अ लीनियर रिलेशनशिप. जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है बिकॉज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है और ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक है, तो ऐसा फिर से एक लाइन लिख दीजिए ब्रैकेट में. Hooke's law essentially defines, Hooke's law ने क्या किया? Hooke's law essentially defines modulus of elasticity. Hooke's law essentially defines modulus of elasticity. Hooke's law essentially defines modulus of elasticity. ठीक है, चलेगा. हमने कम से कम यही एक चीज अच्छी सीखी कि जिसका मॉड्यूलस ज्यादा होता है जरूर वो ज्यादा इलास्टिक होता है. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब शायद यही तो, कि इलास्टिसिटी का मेजर. मॉड्यूलस मतलब शायद मेजर. तो जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है उस वो मोर इलास्टिक है. ओके, अब 9.5 में आ रहे हैं. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटीरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेस. अब एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेस की स्टडी मैं एक्चुअली आपको एक मिनट लिखवा तो देते ही. Factors on which modulus of elasticity depends. Factors on which modulus of elasticity depends. K किस पर डिपेंड करता है? ये proportionality constant तो है, पर number one लिख दीजिए material. Material. भाई material अलग अलग है तो फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका अलग अलग है. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल जिनका मॉड्यूलस ऑफ अलग अलग मटीरियल के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है. और दूसरी बात लिख दीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रेस. ये टाइप ऑफ स्ट्रेस पर डिपेंड करता है. मतलब सेम मटीरियल के लिए अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की वैल्यू अलग है, और उसी मटेरियल पे आप बल्क स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग है. तो ये पॉइंट भी है, लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं है. ये फॉर सेम मटेरियल इज फाउंड टू बी डिफरेंट. For different types of stress. अगर मटेरियल बदल गया तो K बदल ही जाएगा.
पर मटेरियल वही है, पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बजाय आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो अब की बार उसका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेशन से डिफरेंट आए। कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। और एक चीज और जो कि यहाँ एनसीईआरटी में फिलहाल मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेकंड का फर्स्ट मटेरियल का अगर मटेरियल ही अलग अलग हो गया तो ये अलग अलग हो ही जाएगा। और नंबर थ्री है टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल जाएगा तो यू मान लीजिए कि मटेरियल ही बदल जाएगा शायद। असल में ये जो इलास्टिसिटी है या जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। और जब टेम्परेचर बदल जाता है ना, टेम्परेचर बदल जाता है तो मॉलिक्यूलों के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन ही बदल जाता है, तो इसलिए उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना वो चेंज हो जाते हैं। ये एक लाइन आप लिख सकते हैं, इस समय इसकी डायरेक्टली आवश्यकता नहीं है, अगर हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो इसकी आवश्यकता नहीं है, पर चलिए लिख लीजिए। इफ टेम्परेचर चेंजेस द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंजेस। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बदल गया देन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंजेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये था, अब वही बढ़कर शायद ये हो गया, अब ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज हो गया एंड देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल चेंज। Intermolecular forces will change. Intermolecular force change हो जाएंगे। और जो property पढ़ रहे हैं ना elasticity की, या जो mechanical properties of solids हैं, they depends upon the strength of the intermolecular forces. ऐसी भी एक लाइन दीजिए, mechanical properties of solids depend upon the strength of the intermolecular forces. Mechanical properties of solids depend upon the strength of the intermolecular forces. Bas. And since intermolecular forces have changed with temperature. Solid depends upon ke baad kya likhna hai? Mechanical properties of solids depend upon intermolecular forces. Mechanical properties of solids depend upon strength of intermolecular forces. ये intermolecular forces की strength पे depend करती है। बस इतना ही लिख देते हैं। यहाँ पे intermolecular forces change हो गए हैं और इसलिए ये जो mechanical property of solid है, elasticity, ये change हो गई है। Temperature के बदलने से K change हो जाता है। मतलब मैं अगर समरी करूं इस सब की, ये खैर थ्योरी है और कुछ ज्यादा ही डीप थ्योरी है, फालतू थ्योरी है मेरे हिसाब से, तो फिर भी मैं अगर अपनी सारी बातों की समरी करूं तो मैं कहूंगा कि इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेंपरेचर फॉर अ गिवन टाइप ऑफ स्ट्रेस। इन्होंने जिसको खाली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहके छोड़ दिया था, इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहके छोड़ दिया था, पर मुझको अपनी नॉलेज तो आपको दिखानी ही थी कहीं ना कहीं, मेरे को हीरोगिरी पटकनी थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा रायता फैला दिया। कंप्लीटनेस मुझे फील नहीं आ रही थी, पर ये मैं अपनी ही गलती मानूंगा, मुझे ये आइडियली तो नहीं पढ़ाना चाहिए था, कहीं आता जिक्र तो वहां उस लाइन को फैला देता। बहुत आइडियली मुझे लाइन अभी आपसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट तो है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हालांकि फॉर्मूले में के फॉर्मूले में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में आपको डायरेक्टली लग रहा है कि टेम्परेचर का टर्म नहीं आ रहा, फॉर्मूले में तो आना चाहिए। और अच्छी उल्टी बात बल्कि दूसरी बात में जो ज्यादा काम की है वो ये बताना चाहूंगा कि के, चलिए ये सब फिक्स्ड है,
material at a given temperature, given material at a given temperature, longitudinal stress is applied. Given material है, given temperature है, और एक particular stress apply कर रहे हैं, and its stress by strain ratio is found to be K. Stress by strain ratio उसका आता है K. जिस वजह से मैंने ये सब आपको समझाया, आपको कारण फाइनली सामने रख ही दिया मैंने आपको कि मैंने इतना रायता क्यों फैलाया। अब ये ठीक है, अब हम अच्छी बात कर रहे हैं, फाइनली काम की बात कर रहे हैं। मटेरियल फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, और स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडिनली लगा रहा हूँ। उस समय जो बल्क स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो पाया जा रहा है वो के पाया जा रहा है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि नाउ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डबल। सब कुछ वही है पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम डबल कर देते हैं। सेम मटेरियल, सब कुछ सेम सेटअप, सब कुछ वैसा ही है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डबल कर देते हैं तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ के फॉर द सेम मटेरियल। व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ के फॉर द सेम मटेरियल। के का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, और स्ट्रेस भी सेम लगा रहे, मतलब टाइप ऑफ स्ट्रेस सेम लगा रहे। पहले भी लॉन्गिट्यूडिनली लगा रहे थे, अभी भी लॉन्गिट्यूडिनली लगा रहे हैं। सब वैसा ही है जैसा पहले था। पहले ये एफ था और अब शायद मैं 2F लगा रहा हूं। एरिया अगर सेम है तो स्ट्रेस डबल हो गया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया सेम है और फोर्स डबल हो गया तो स्ट्रेस डबल हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सब मटीरियल का के बताइए। अगर ये स्टील था और ये भी स्टील है तो के इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल। आपको ये लिखना है, आपको लिखना है कि के इज सेम। ये थियोरी शायद इसके काम की थी। आपको थियोरी से ही समझ में आ रहा है कि के विल नाउ स्टिल बी सेम। सब कुछ तो सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर बदल जाता है तो हम थोड़ा और ऐसा बोल देते हैं जानबूझ के, बढ़ा चढ़ा के बात करने के लिए कि टेम्परेचर बदल गया तो मान लो कि मटेरियल ही बदल गया। तुमको गुस्सा आ गया, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया, तो तुम इंसान ही वो कहाँ रहे, तुम तो बदल गए ना। तो टेम्परेचर इसका बदल गया तो मान लो कि सब्सटेंस ही बदल गया। तो टेम्परेचर भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, बस मैंने फोर्स ज्यादा लगाया। तो के का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर आप कहें कि फॉर्मूले में स्ट्रेस आता है और ये डबल हो गया है तो फिर ये भी डबल हो जाना चाहिए, तो बात आप अधूरी कर रहे हैं। आप इसको इग्नोर ना करें। अगर ये गारंटी हो कि ये कॉन्स्टेंट है और ये डबल हो गया है तो हाँ के डबल हो जाए। ये फॉर्मूला जो है हमारे को कॉन्स्टेंट्स के मामले में कई बार धोखा दे देता है। फॉर्मूले में स्ट्रेस आ रहा है, सच्चाई ये है कि जब स्ट्रेस डबल हुआ है ना तो एक्चुअली स्ट्रेन भी डबल हुआ और ये कॉन्स्टेंट है। आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो इलोंगेशन ज्यादा होगा, चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। ऐसा ही आप लिख दीजिए, व्हेन स्ट्रेस इज डबल्ड स्ट्रेन इज ऑल्सो डबल। जब स्ट्रेस डबल हो जाता है तो स्ट्रेन भी डबल हो जाता है। एंड सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो इज अ कॉन्स्टेंट। ये बड़ी सुंदर बात, बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात है सीखी। फॉर्मूले में स्ट्रेस आ रहा है तो आपको लगेगा कि यार स्ट्रेस डबल हो गया तो के डबल हो गया, पर और बाकी चीजों के बारे में भी बात करिए। स्ट्रेस के डबल होने से फिलहाल स्ट्रेन डबल होगा और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो सेम आएगा। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वायर में इलोंगेशन ज्यादा हो जाएगा, उसका डेल्टा एल डबल हो जाएगा। के का फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आपका यहां ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये भी कुछ है, तो लिख दीजिए दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, दिस इज रिलेटेड, स्ट्रेन इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है।
इसलिए यहाँ पे थियोरी का मजबूत होना बड़ा जरूरी है कि भाई अगर मटेरियल सेम है, अगर मैं स्टील की ही बात कर रहा हूँ तो अगर मैं स्टील की रॉड पे फोर्स डबल भी लगाऊंगा तो उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होने वाली। उस तरह इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। साफ साफ फिर से लिख लीजिए, इट्स अ प्रॉपर्टी फॉर इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। Modulus of elasticity is a property of material. And until the material changes, for फिर सारी बातें हमने की हैं, बस it will remain same. ज्यादातर तो हम कहते हैं जो फॉर्मूले में आता है उसके बारे में सोचो और उसी से डिसीजन लो, थियोरी से डिसीजन मत लो। पर ये एक दिक्कत की बात है, यहाँ फॉर्मूले में स्ट्रेस आ रहा है पर फिर भी फॉर्मूले से इसका डिसीजन हम नहीं लेंगे। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अगर हम और डिटेल्स, उसने सिर्फ कहा मटेरियल सेम है तो हम मानेंगे कि शायद बाकी सब भी सेम ही होगा, टेम्परेचर भी सेम होगा और टाइप ऑफ स्ट्रेस भी सेम ही होगा। हम अगर इतनी डिटेल बातें ना करें तो हाँ इतना कहना हमारे लिए पर्याप्त है कि अगर मटेरियल सेम है तो उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा। हम ये ऑफकोर्स अज्यूम कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर भी सेम होगा और टाइप ऑफ स्ट्रेस भी तुमने सेम ही लगाया होगा। ये बड़ी अच्छी बात फाइनली हो गई है, मटेरियल सेम है तो मॉड्यूलस सेम है, मटेरियल सेम है तो मॉड्यूलस सेम है और वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करती, खाली स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करती। तो वो एक लाइन वार्निंग में लिख दीजिए कि के डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली स्ट्रेस और ओनली स्ट्रेन, के खाली खाली स्ट्रेस पे या खाली स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करते, ये खाली स्ट्रेस पे या खाली स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती। If stress changes, strain also changes. अगर stress change होता है, तो strain भी change होता है. Plus, and we should think about both. हम खाली stress के change होने से decision ना ले लें. ठीक है, बहुत ही अच्छा point था ये. बिल्कुल 5 star जाना चाहिए इसमें कहीं किसी बात पर, जो आपको बात समझ में आ रही हो, ये last ही line पे ही आप 5 star दे सकते हैं। ये खाली स्ट्रेस पे अगर खाली स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता, पूरे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के बारे में सोचना चाहिए आपको। इसी बात पे आप कहीं 5 star दे सकते हैं, बात काम की है। फिगर 9.5 पे मैं आ रहा हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिलेशन विद स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ये एलोंगेशन पैदा कर रहे हैं वायर। इन अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टीज अ टेस्ट सिलेंडर और अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइड फोर्स। एक पतला सा वायर ले लेते हैं हम, the fractional change in length जिसको हम strain कहते हैं and the applied force needed to cause the strain are recorded। एक वायर हमने लटका दिया छत से और उस पर लोड धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, 5 kg का वजन टांगा, फिर 10 kg का वजन टांगा, तो अप्लाइड फोर्स जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो बढ़ाते जा रहे हैं और वायर की लेंथ में इलांगेशन कितना हो रहा है वो भी रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, सॉरी लेंथ में चेंज नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड अप्लाइड फोर्स नीडेड टू कॉज द स्ट्रेन आर रिकॉर्डेड। The applied force is gradually increased in steps and the change in length is noted. ठीक है, a graph is plotted between the stress जो कि F by A है and the strain जो कि delta L by L. A typical graph for a metal is shown this much. Analogous graphs for compression and shear stress may also be obtained. The stress strain curves vary from material to material. Material to material ये graph different होंगे क्योंकि modulus ही different है. These curves help us to understand how a given material deforms with increasing load. Load बढ़ाते जाएंगे तो इसमें deformation किस तरह vary करेगा. From the graph, तो अब अपन ये heading दे देते हैं और typical stress strain graph curve for a metal, यही heading दे देते हैं. Heading दे देते हैं stress strain curve for a metal. Stress strain curve for a metal, ये हमारी heading. ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, प्योर हार्डकोर थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ इग्नोर भी नहीं की जा सकती। आप अलग से लिख सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, इसके आगे आप लिख सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, ज्यादा काम की बात नहीं है ये। रेयरली रेयरली कभी कभी क्वेश्चंस कहीं कहीं दिखे तो हैं, इवन 2017 में जेई एडवांस्ड में देखा था थ्योरी का क्वेश्चन, पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते पर कभी भी पढ़ेंगे तो चलेगा, एक हल्की सी नजर मार ले, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, उन्हें बस चेक करना रहता है कि आपने पढ़ी है कि नहीं। तो इसे आप एग्जाम के 20 दिन पहले भी एक बार पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन जाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए बीएससी पहले के लिए, पढ़ लीजिए, पर आधे अधूरे मन से नींद में जब थक थका गए हो, सोने का मन कर रहा हो, नींद ना आ रही हो, तो इसको लेके बैठ जाओ और कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाओगे तो 2-4-5 मिनट में आपको नींद इसमें आने की पक्का गारंटी है। इंटरेस्ट लोगे तो जाग जाओगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो नींद आ जाओगे। तो ग्राफ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक ही बात है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि किस एक्सेस पे क्या बनाया है, मतलब इधर स्ट्रेस बनाया है और इधर स्ट्रेन बनाया है। पहले तो वार्निंग ये लिख दीजिए, पहले तो यही वार्निंग लिख दीजिए कि चेक चेक दैट व्हिच क्वांटिटी हैज बीन प्लॉटेड ऑन व्हिच एक्सेस। ये चेक करिए कि किस एक्सेस पे कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की गई, व्हिच क्वांटिटी हैज बीन प्लॉटेड ऑन व्हिच एक्सेस। तो हम ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ध्यान से रख लेते हैं, इसका नाम स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहे हैं ना, तो कायदा तो ये कहता है, जरूरी तो नहीं है, कंपल्शन तो नहीं है, पर कायदा ये कहता है कि जो जिसका नाम पहले लेते हैं ना, वो क्वांटिटी वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हैं। लाइन एक लिख दीजिए, तीन स्टार दे दीजिए। द क्वांटिटी नेम्ड फर्स्ट इज यूजुअली प्लॉटेड ऑन वाई एक्सेस। द क्वांटिटी नेम्ड फर्स्ट इज यूजुअली प्लॉटेड ऑन वाई एक्सेस। जिस क्वांटिटी का पहले नाम लेते हैं उसको वाई एक्सेस पे प्लॉट किया जाता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक मेटल के लिए है और ऑफ कोर्स ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए है। ये हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कंप्रेशन भी होगा तो भी ऐसे ही कुछ आएगा। ये ग्राफ मोटे तौर पे क्या शेप आ रहा है मैं इसका बना दे रहा हूं, बाद में से डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ये कुछ ऐसा है, फिर हल्का सा ऐसा है, फिर ऐसा है और फिर ऐसा। इस पॉइंट का नाम ओ है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। इधर पहले इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम डी है और इस का नाम ई। कुछ भी विशेष इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम from the graph we can see that in the region between O to A. पहला तो आप लिख दीजिए O A. Region O to A, the curve is linear. ये straight line graph है, linear graph है. So in this region the Hooke's law is obeyed. ये line लिख देते हैं. The body regains the original dimensions when the applied force is removed. In this region, solid bears a plastic body. इसको proportionality limit graph पे काम किया है A को, तो मैं A नाम लिखूंगा proportionality limit. A is called proportionality limit. उन्होंने graph में बात लिखी है, A को बोलते हैं proportionality limit, क्योंकि यहाँ graph straight line है ना, directly proportional है ना यहाँ तक, इसके बाद तो graph straight line नहीं रह गया ना। A is proportionality limit because the graph here is a straight line. Graph up to A is a straight line. इसको proportionality limit कहते हैं। Body regains its original dimensions when the applied force is removed. ऐसा लिख सकते हैं, in this region the solid bears as elastic body. A to B की बात कर रहा है, ठीक है, लिख दीजिए कि up to A तक if the applied force is removed, the body regains. Up to A, if the applied force is removed, the body regains its original dimensions completely. A तक अगर हम force wire को stretch करके छोड़ दें, यहाँ तक stress लगाएं,
और छोड़ दें तो वायर अपनी लेंथ को ओरिजिनल कंडीशन को पूरी तरह रिगेन कर ले। और यहां तक वो कह रहा है कि ये इलास्टिक होता है, ऐसा भी लिख दीजिए कि अप टू ए द सॉलिड बिहेव्स एज इलास्टिक बॉडी, अप टू ए द सॉलिड बिहेव्स एज इलास्टिक बॉडी। यहां तक बॉडी जो है इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए, इस पे भी एक स्टार दे दीजिए कि कहां तक बॉडी इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। फिर वो ए टू बी में आ रहा है, तो अब हम सेकंड लिख रहे हैं ए बी रीजन। पॉइंट नंबर टू डाल के लिख रहे हैं ए बी, कहता है द रीजन फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, योर ग्राफ इज कर्व्ड, ग्राफ थोड़ा सा कर्व्ड है। Nevertheless, the body still returns to the region. The region AB Hooke's law is not valid. Region AB में Hooke's law valid नहीं है मेरे हिसाब से, तो सारे important questions नहीं है। Region AB में Hooke's law valid नहीं है, और proportionality भी कहाँ valid हो रही है? Stress और strain directly proportional है ही नहीं, graph तो थोड़ा सा bend हो गया। फिर भी कह रहा है कि अगर तुम B तक भी अगर substance को खींच के छोड़ दोगे, बी तक भी स्ट्रेस करने के बाद अगर तुम फोर्स हटा दोगे ना, तो भी वो अपनी लेंथ को पूरी तरह अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को पूरी तरह रिगेन कर लेगा। कह रहा नेवरथलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, ऐसा लिख दीजिए। अप टू बी नहीं लिखो, पहले लिखो पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, और बल्कि उसका ज्यादा अच्छा नाम है इलास्टिक लिमिट। इसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इसका नाम है इलास्टिक लिमिट, yield point, and the corresponding stress is called yield strength. Stress का नाम ये शायद important हो जाएगा, इस अलग से लिख देते हैं इसको। Yield strength is equal to force upon area at the point of elastic limit. इसको ये sigma y के नाम से लिख रहा है शायद, सिग्मा वाय, ये नाम है इसका स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ नाम है इसका स्ट्रेंथ, पर है ये स्ट्रेस के बराबर। यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेस के बराबर है एट द पॉइंट, एट यील्ड पॉइंट। आपको ये कहना है कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस्ड अप टू बी एंड देन रिलीज्ड, when a wire is stretched up to B and released, when a wire is stretched up to B and released, it still regains its original dimensions completely. Sir, please repeat this line. When stretched up to B and released, when stretched up to B and released, the wire still regains its original dimensions completely. The wire still regains its original dimensions completely. The wire still regains its original dimensions completely. तो एक्चुअली थोड़ा सुधार करना पड़ेगा मुझे शायद। हमने कहा था ए तक वायर इलास्टिक बिहेव की तरह बिहेव करता है, इवन शायद बी तक वायर इलास्टिक लिमिट है ना, तो मैं तो ये चेंज करूंगा इस लाइन को। एनसीआरटी ने थोड़ा शायद पता नहीं क्या पढ़ा है, पर मैं कहूंगा ए कि सब्सटेंस इज इलास्टिक अप टू इलास्टिक लिमिट, सब्सटेंस कैन बी रिगार्डेड एज इलास्टिक अप टू पॉइंट बी। यहां इसकी इलास्टिसिटी की लिमिट आई है ना, इसने एक लाइन कही थी ऊपर पैराग्राफ में कि द सब्सटेंस इन दिस रीजन द सॉलिड बियर्स एन इलास्टिक बॉडी। हाँ ठीक है, इस रीजन में इलास्टिक है, ये बात सही है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है कि ओ से ए तक वायर इलास्टिक है, ये बात गलत नहीं है, पर कब तक इलास्टिक है, उसकी लिमिट कब आई है, वो बी पे आई है। बी के लेफ्ट में वायर इलास्टिक है,
वायर इज इलास्टिक अप टू इलास्टिक लिमिट, और ये एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, एक स्टार इस पे दे सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, यील्ड स्ट्रेंथ के डायमेंशंस फोर्स के नहीं होंगे, यील्ड स्ट्रेंथ के डायमेंशंस स्ट्रेस के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा तो नहीं लग रहा, मैंने एक ही स्टार दिया है, फॉर्मूला जैसा लग रहा है। कहीं क्वेश्चन आ गया तो हम इस पे सीधे 5 स्टार लगा देंगे, वरना हम इस पे अभी एक ही स्टार दे रहे हैं। द पॉइंट बी इज नोन इन द कर्व्स यील्ड पॉइंट इलास्टिक लिमिट एंड द करस्पोंडिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ध्यान दीजिए, इस यहाँ जो फोर्स है उसे यील्ड स्ट्रेंथ नहीं कहते हैं, इस स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और इस ऐसे डायग्राम में सिग्मा वाई के नाम से यहाँ दिखाया भी है। बस चलते हैं, कोई खास बात नहीं है। ए जो है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और बी जो है वो इलास्टिक लिमिट है। यहाँ तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है या हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, पर बी तक भी यदि आपने वायर को खींच के छोड़ा तो वायर अपने ओरिजिनल कंडीशंस को एग्जैक्टली पूरी तरह रिगेन कर लेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वायर इलास्टिसिटी इज ओबेड, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर ओबेड अप टू पॉइंट बी। ओके, आगे चलते हैं। इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर द स्ट्रेस डेवलप एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। कहता यहां तक आप चले जाओ, अगर आप अच्छा सी वाली बात इसने तो नहीं की नहीं है, पहले से सी पे आना चाहिए था। When the load is removed, say at some point C between B and D. अच्छा, पहले से D define करना जरूरी है। The body does not regain its original dimensions. अभी तो आप ऐसे ही लिख दीजिए कि if the load is removed at C, if the load is removed at C, C का कोई नाम तो नहीं है अलग से। When the load is removed at C, the body does not regain its original dimensions completely. Body does not regain its original dimensions completely. C का कोई specific नाम तो नहीं है, ये proportionality limit है, ये elastic limit है, ये भी एक point है, इसका कोई नाम नहीं है। कह रहा B और D के बीच में कहीं भी एक ऐसा point आपको C मिल जाता है, कहीं भी एक ऐसा point मिल जाता है C, जहां अगर आपने stress को zero कर दिया ना, तो भी strain zero नहीं होगा। ये ऐसी line से आप बना दीजिए, ये graph बना दीजिए, बस और लिख दीजिए at some point C, even if the stress is made zero, इस stress को बाद में घटा के आप zero कर दीजिए, ये strain is not zero, ये strain वाला axis है, strain अब वापस zero नहीं रहता, strain is not zero. Material is said to have suffered a permanent set. Permanent set, ये है permanent elongation. The material is said to have suffered a permanent set. Bracket में permanent elongation. The permanently अब इसको कुछ set हो गया है, कुछ permanent elongation हो गया है ना? और अब हम ये मानते हैं कि यहां B तक तो वायर इलास्टिक था, पर अब C पे उसने इतनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को खो दिया है। लिख दीजिए at some such point C, the substance loses its elastic property. इस सब्सटेंस B के बियॉन्ड कहीं, B पर हमने इलास्टिक लिमिट कहा है, ये के बियॉन्ड कहीं थोड़ा सा कहीं आगे ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। मतलब इधर ये रीजन हम चाहे तो बोल सकते हैं ये प्लास्टिक रीजन है, और इधर कहीं ये इलास्टिक रीजन है, ऐसा कहीं अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि सी के लेफ्ट में वायर में इलास्टिक प्रॉपर्टीज है और सी के राइट में वायर में प्लास्टिक प्रॉपर्टीज है। सी के लेफ्ट में इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, बी और सी को कहीं भी क्लोज मान लिया जाए, बी और सी में डिफ्रेंसिएशन क्लियर डिफाइंड नहीं है ना? दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसमें ये जो डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन तो परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर है तो ये तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ गई। लिख दीजिए दिस परमानेंट सेट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जो परमानेंट सेट है इसका नाम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही यूजलेस है। हाँ, आप सीधे से आप डी पे लिख दीजिए, पॉइंट डी लिख दीजिए, पॉइंट डी इज कॉल्ड थर्ड पॉइंट है, पॉइंट डी इज कॉल्ड
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका नाम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये इसका नाम है शायद सिग्मा टी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। डी वाला पॉइंट का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस पूरे पैराग्राफ को अब एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपके सामने। कहता है द लोड इज इंक्रीज फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीजेस इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। यहां जरूर देखते हैं हम लोग कि स्ट्रेस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रेस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पर स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो देखिए ना ये ग्राफ में चेंज काफी ज्यादा है, स्ट्रेस तो मान लीजिए यहां से यहां तक हमने किया बस, तो स्ट्रेन तो इतना ज्यादा चेंज हो गया ना। कह रहा है द लोड इज इंक्रीज फर्दर द स्ट्रेस डेवलप अक्रॉस द एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का पॉइंट कहां आया था, यील्ड पॉइंट बी पे आ गया था ना, बी पॉइंट। तो बस आप लिख दीजिए बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट इट इज सीन दैट इट इज फाउंड दैट, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट इट इज फाउंड दैट फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, for a small increase in stress strain increases very rapidly। इसके बियॉन्ड ये देखा जाता है कि स्ट्रेस में अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, जरा सा फोर्स लगाएंगे ना तो वायर आसानी से खिंच जाएगा। कहता है इफ द लोड इज इंक्रीज फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली। इस लाइन को आप एनसीईआरटी में भी चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली Even for a small change in stress, stress को थोड़ा सा भी आपने change किया ना, तो strain में काफी ज़्यादा change हो जाएगा। मतलब bracket में लिख सकते हैं, elongating the wire becomes easier, stretching the wire becomes easier. पर स्ट्रेन में चेंज काफी ज्यादा है, ये आगे ज्यादा बढ़ रहा है और ऊपर कम उठ रहा है। द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन बी एंड डी शोज दिस, ये फिर से लिख सकते हैं, पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन बी एंड डी शोज दैट, पोर्शन ऑफ ग्राफ बिटवीन द बी एंड डी शोज दैट इन दिस रीजन फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस change in strain, yeah, increase in strain is much more. The portion of the graph between B and D shows that in this region, for a small increase in stress, for a small increase in stress, the increase in strain is much more. इस region में stress में तो ज़्यादा change नहीं आया है, stress में तो इतना ही change आया है, पर stress strain में इतना change आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का change. Stress तो इतना उठा है, ये change in stress. और ये चेंज इन स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस यहां से यहां पहुंचा है और स्ट्रेन यहां से यहां पहुंचा है। स्ट्रेस में थोड़े से चेंज के बाद स्ट्रेन में काफी अच्छा खासा चेंज हो गया। व्हेन द लोड इज रिमूव्ड है ना, कहता है व्हेन द लोड इज रिमूव्ड से एट पॉइंट सी बिटवीन बी एंड डी द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डाइमेंशंस। हम पढ़ चुके हैं इन दिस केस इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो द स्ट्रेन इज नॉट जीरो एंड द मटेरियल इज सेट टू हैव अ परमानेंट सेट, द डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। The point D on the graph is ultimate tensile strength. ये सब हम पढ़ चुके हैं। Beyond this point, additional stress is produced even by a reduced applied force. D के beyond तो कुछ तो भी अजीब ही बात हो रही है। Most unexpected बात हो रही है। Important बिल्कुल भी नहीं है। तो D तो ultimate है। D तो ultimate है। Graph का जो peak है वो ultimate है। वो भी bracket में लिख सकते हैं। The highest point of the graph is ultimate. Graph का जो highest point है, जो graph का peak है, उसे ultimate कह रहा है। वो ठीक है। The point D on the graph is called ultimate tensile strength. कहता beyond peak जो है अब कहता अगर आप stress अब कम भी कर देंगे ये graph नीचे भी गिर रहा है, आप इस limit तक लेके आ गए हैं wire को कि अब तो इसका टूटना तय है, अब तो टूटना तय है, अब आपने उसकी तो limit ले ही आ गए हैं, आप ultimate point पे आ गए हैं। अगर अब आप अपने relation में stress कम भी कर दें तो भी कहानी खत्म तो होनी है। Beyond this point, additional strain is produced even by a reduced applied force.
एंड फ्रैक्चर अकर्स एट पॉइंट ई. तो पहले तो लिख दिया अगला ई इज फ्रैक्चर पॉइंट, ई को बोलिए फ्रैक्चर पॉइंट. और फिर आगे ये लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख दीजिए, इफ बियॉन्ड इवन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला उसने, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं आप, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इवन इफ द स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड, इवन इफ द स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो सब टूट चुकी है काम, फिर तो डिवोर्स है. इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर स्ट्रेस आपने कम भी कर दिया तो भी एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड एंड फ्रैक्चर विल डेफिनेटली आता. इसके बाद आपने स्ट्रेस कम कर दिया तो ग्राफ नीचे तो गिर गया, तो स्ट्रेस तो कम हो गया, ग्राफ नीचे गिर गया, और ये आगे तो बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेन तो अब होगा, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन अभी भी बढ़ रहा है. अभी ग्राफ नीचे गिर गया मतलब पहले इतना स्ट्रेस था, अब इतना स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम हो गया. एक लिमिट के बाद तो क्या होता है, वायर बहना शुरू कर देता है, और फिर तो वो टूट के ही मानेगा, फिर तो अगर उसका बहना उसने फ्लो करना शुरू कर दिया एक प्रकार से. खैर कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है. कहता डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी, ये सब हो गया. इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड द, हां ये अच्छी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Yeah, the beyond this point, additional strain is produced even by a reduced applied force and fracture occurs at point E. ठीक है. अब ये जो point है ना, ये important है, इस पे आप 3 stars दे दीजिए. देखिए, if points D and E are close, ये important है, और जो advanced 2017 की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें यही question आया था. Graph बना के उन्होंने इस line को use किया था. If the points D and E are close, the material is said to be brittle. ये point अगर पास पास है तो इस material को कहते हैं brittle, जल्दी टूट जाएगा ना, बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, जैसे कि कांच. ये इंपॉर्टेंट है, अगर डी और ई पास पास हैं तो फिर ब्रिटल है. एंड इफ दे आर फार अपार्ट द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल. अगर ये काफी दूर दूर है तो इस मटेरियल को डक्टाइल कहा जाता है. डक्टिलिटी ज्यादा है तो आप उसको और पतले वायर में कहीं बना सकते हैं. अगर ये पोर्शन लंबा है तो आप वायर इस बीच वायर में इलॉन्गेशन तो और बढ़ जाएगा, वायर और पतला हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो बोलेगा एक ग्राफ ऐसा दे देगा और बस एक ग्राफ ऐसा दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा ब्रिटल है और कौन सा डक्टाइल है. शायद यहाँ डी और ई क्लोज है तो ये ब्रिटल है, और शायद यहाँ डी और ई दूर दूर है तो ये डक्टाइल. ये पेपर में आया था. तो अब इससे पता तो लगता है कि एनसीईआरटी जी एडवांस जैसा पेपर, इससे पता तो लगता है कि एनसीईआरटी कितनी डीप में आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए. और ठीक है, अगर बाकी सब आपको आ गया हो, ये मतलब एक बार की, किसी बार एक दो बार की रीडिंग में भी लास्ट क्लास में कभी भी सीखा जा सकता है, या 2 साल की जर्नी में कभी तो ये बातें सामने आई जाएंगी क्वेश्चन के रूप में. इनकी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, कवरेज चाहिए. कवरेज कभी भी की जा सकती है, प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे आप नहीं कर सकते. बस इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन तो सामने इसके आते ही रहेंगे, आप हर हफ्ते जब टेस्ट देंगे तो इसका क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और क्वेश्चनों से ही इसकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी. ये थ्योरी आपको क्वेश्चनों के जरिए पढ़ाई जा सकती है, इसीलिए मैं इस पर कह रहा हूँ कि ज्यादा ध्यान ना दें. ये क्वेश्चन आया है और ये आपके सामने आएगा ही, और क्वेश्चन जब आप सामने कर चुके होंगे उसके बाद जब इस थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ क्वेश्चन बनता है इसमें. इसके क्वेश्चन जब आप कर चुके होंगे टेस्ट में तो डिस्कस होंगे, तब तो बातें सामने आ ही जाएंगी. क्वेश्चन करने के बाद आप कभी बाद में से पढ़ोगे 6-7-8 महीने बाद, तो आपको ये इतना बोरिंग, इतना डल नहीं लगेगा, इतना डेड टॉपिक नहीं लगेगा, तब ये थोड़ी लाइव लगेगा, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन आपसे बात करेगा. खैर कहता है, स्टेटेड अर्लियर द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम मटीरियल टू मटीरियल. फॉर एग्जाम्पल रबर कैन बी अप्लाइड पुल टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिमेंस टू इट्स ओरिजिनल शेप. इलास्टिक टिश्यू ऑफ ड्योर, एक ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा. एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इन द हार्ट. नोट दैट ऑल्दो इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन. सेकेंडली देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ ड्योरटा रबर एटसेट्रा. आप हेडिंग दे दीजिए चलिए इलास्टोमर.
इलास्टोमर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से तो, पर अगर इन्हें जो क्वेश्चन आ चुका है अब वो ना पूछना हो, जो क्वेश्चन एक बार आ गया हो तो वो तो गूगल पे आपको मिल ही जाएगा, क्वेश्चन जो नहीं आया हो वो पूछने हो तो शायद इलास्टोमर में कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, आप सीधे लिख दीजिए सब्सटेंसेस लाइक एओर्टा, हार्ट का कोई टिश्यू है, एओर्टा का नाम नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, रबर बोल दीजिए, सब्सटेंसेस लाइक टिश्यू ऑफ एओर्टा और रबर विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स, स्ट्रेस टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स विदाउट विदाउट फ्रैक्चर, which can be stretched to cause large strains without breaking. काफी उनमें elasticity होती है, काफी stretch किया जा सकता है, जिनमें elongation काफी ज़्यादा पैदा किया जा सकता है without breaking, उनको हम बोलते हैं elastomers. तो पहले तो मैं आपसे यही एक question लिखाऊंगा, फिर ये graph की बात करता हूँ elastomer के बारे में. चलिए हमने graph ही बना लिया, ठीक है elastomer का graph बना लीजिए, stress strain graph for elastomer. यहाँ स्ट्रेस है और यहाँ स्ट्रेन है, और आप उसका जो ब्रैकेट में लिखा टेस्ट पास 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसे आप छोड़ दीजिए, और स्ट्रेन में भी कुछ 0.5 और 1 लिखा है उसे भी छोड़ दीजिए, जो टिपिकल ग्राफ है वो ऐसा टाइप का कुछ आता है. हमने स्टील के लिए जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा टाइप का बनाया, ये रबर के लिए ग्राफ है, ये रबर के लिए ग्राफ है और ये स्टील के लिए ग्राफ है. तो इसमें आपको यही बोलना है, एक तो इस ग्राफ के बारे में आपको यह बोलना है कि इन दिस इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, इसमें ब्रेकिंग वाली बात कहीं आई नहीं रही, इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज. मैं सीधी सी बात आपको काम की बोलता हूं कि इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इज मच, सॉरी इलास्टिक लिमिट ऑफ रबर इज मोर, इलास्टिक लिमिट ऑफ रबर ग्रेटर देन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक लिमिट ऑफ रबर, ये पॉइंट है काम का. तीन स्टार देने लायक, रबर की इलास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा है, ग्राफ में कहीं दिख ही नहीं रहा वाला पॉइंट, इसका तो इलास्टिक लिमिट मुझे यहाँ कहीं दिख रही है, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, रबर में इलास्टिक लिमिट ज्यादा होता है. मैं समझाता हूँ आपको, इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, फिर से लिख दीजिए इलास्टिक रीजन इज लार्ज इन रबर, रबर के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक रीजन थोड़ा बड़ा है, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, तो इसमें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है नहीं कहीं, रबर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है नहीं, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय रबर, रबर में इसेंशियली एओर्टा में हुक्स लॉ ओबे हो ही नहीं रहा है, और देर इज नो मतलब जब ये इलास्टिक लिमिट इसकी इतनी ज्यादा है, आप इसे खूब लंबा खींच के भी छोड़ सकते हैं और ये वापस अपनी लेंथ रिगेन कर लेगा, तो इससे साफ साफ लिख दीजिए देर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, ये तो सब इलास्टिक रीजन ही है, इसमें प्लास्टिसिटी जैसी कोई चीज तो शायद रबर में है ही नहीं, देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन. अगर इलास्टिक लिमिट बहुत देर में आएगी, अगर इलास्टिक लिमिट बहुत देर में आएगी तो प्लास्टिक लिमिट तो शायद इसमें है ही नहीं, रबर इज नॉट प्लास्टिक, रबर इज इलास्टिक, क्योंकि बहुत देर तक ये अपनी इसकी इलास्टिक लिमिट नहीं आती. ऐसी एक लाइन लिख दीजिए, रबर कैन बी स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स लेंथ, rubber can be stretched to several times its length. rubber में आप खूब elongation पैदा कर सकते हैं, rubber can be stretched to several times its length. without losing its, without suffering any permanent set, without suffering any permanent set, rubber को खींच खूब खींच के छोड़ दीजिए तो भी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को पूरी तरह रिगेन कर लेगा. रबर में इलास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा है, रबर में प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, रबर में हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, प्रोपोर्शनैलिटी वाली जैसी कोई बात नहीं है रबर में. बस एक शानदार एक आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर, विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर. हाँ ये भी तीन स्टार वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली हमारा आंसर ये निकलता है कि रबर इज मोर इलास्टिक, तो इसमें सिली मिस्टेक का चांस है, इसलिए शायद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थियोरी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने तीन ही स्टार दिए हैं. अगर न्यूमेरिकल होता और इसमें सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती तो मैं इस पर 5 स्टार देता, शायद मैथमेटिकल सोल्यूशन ही हालांकि मैं दे रहा हूँ तो 5 स्टार कर ही दीजिए. चलिए इसलिए 5 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है. तो देखो स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ, अब रबर में क्या होता है,
रबर में आप थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा करो तो खूब ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो जाता है, हल्का सा स्ट्रेस करो तो खूब ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो जाता है, और स्टील में आप खूब ज्यादा स्ट्रेस लगाओ तो भी थोड़ा सा ही स्ट्रेन पैदा होता है। रबर में स्ट्रेस स्मॉल है, स्ट्रेन लार्ज है, इसलिए स्ट्रेस का स्ट्रेन अगर मैं निकालूंगा, स्ट्रेस का स्ट्रेन निकालूंगा तो वो स्मॉल अपॉन लार्ज होगा, इसलिए ये स्मॉल होगा। अगर स्टील की बात करूं तो स्टील में स्ट्रेस खूब सारा स्ट्रेस लगाओ तो भी स्ट्रेन स्मॉल ही पैदा होगा, तो जो स्ट्रेस का स्ट्रेन है, जो मॉड्यूलस है वो बिग अपॉन स्मॉल आएगा, इसलिए वो लार्ज आएगा। इस तरह से बड़ा सुंदर ये डिसीजन आपको लेना है मैथमेटिकली। हमारा कहना है रबर में थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन काफी ज्यादा पैदा हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रेस का स्ट्रेन छोटा अपॉन बड़ा है तो वो छोटा आता है, और स्टील में खूब सारा स्ट्रेस लगाओ तो भी थोड़ा सा स्ट्रेन पैदा होता है, तो कैलकुलेशन से बिग अपॉन स्मॉल है तो मॉडुलस की वैल्यू लार्ज आ रही है। अब हमें क्लियर है कि भाई जिसका मॉडुलस ज्यादा होता है, मैं एक्चुअली फिजिक्स की भाषा में उसको ज्यादा इलास्टिक कहते हैं। लिख दीजिए के स्टील इज ग्रेटर देन के रबर। फिजिक्स की भाषा में स्टील इज मोर इलास्टिक, पर प्रॉब्लम कहां आती है, आप इलास्टिक लिमिट से कंफ्यूज कर जाते हैं। इलास्टिक लिमिट ऑफ रबर इज ग्रेटर देन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील। रबर में उसकी लिमिट बहुत देर में आती है, बहुत सारा इलॉन्गेशन रबर में किया जा सकता है, खूब इलॉन्गेशन किया जा सकता है इससे पहले कि रबर अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज करे, तो रबर की इलास्टिक लिमिट ज्यादा है। हम बोलते हैं रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा है, सच्चाई यह है कि रबर की इलास्टिक लिमिट ज्यादा है। इलास्टिक लिमिट ऑफ रबर इज मोर बट इट्स इलास्टिसिटी इज लेस, ये फाइनल। इलास्टिसिटी का डिसीजन कैसे करते हैं, मॉड्यूलस, जिसका मॉड्यूलस ज्यादा है वो मोर इलास्टिक है। रबर की इलास्टिक लिमिट ज्यादा है, उसमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं उसके ग्राफ में। बस इस तरह से ये सारा डिस्कशन कंप्लीट होता है गाइस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। थैंक यू।